अब इस क्वेश्चन पे देखिए, फीकल ओरल रूट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ, 53% का आंसर वन है, क्योंकि पोलियो ऐसा लगता नहीं कि फीकल ओरल या वाटर बॉर्न डिजीज होगी। लेकिन चलिए मैं ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ लेता हूँ। अगर मैं ये पेपर जैसे नीट में आता है वैसे बनाता तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि फाइलेरियासिस कैसे ट्रांसमिट होता है, और मैं 100% कह रहा हूँ कि आप सब लोग कहते हैं कि जी वैक्टर बॉर्न है, इट इज वेक्टर बॉर्न। आपको हो सकता है कि आपको उस मॉस्किटो का भी नाम पता हो जो जनरली आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा कि जी क्यूलेक्स करती है इसको ट्रांसमिट। ये बात याद कीजिए, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। यहां गलती ये हुई है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट से कि एक को देखा अजीब सा लगा, कहानी खत्म करी, फाइलेरियासिस तक पहुंचे ही नहीं। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दीज 39% ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दे वर एबल टू अंडरस्टैंड। दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे। यहाँ पर मैंने केवल ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि कंसंट्रेशन से पेपर देखने का कितना बड़ा फायदा होता है। आगे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक बेस्ड इकोसिस्टम वेयर प्राइमरी, अब फिर वही गड़बड़ हुई, बेंथिक आपने देख लिया और 48% ने आंसर लगा दिया, जबकि आपकी एनसीईआरटी क्लियरली आपसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। सो बेंथोस और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में अंतर समझिए। सो डीप ओशियन में आपने बेंथिक रीजन कहा, बेंथोस जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड सोर्स क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट पर जाके मैरीन स्नो पढ़िए। सो यू रीड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज मैरीन स्नो। सो अगर आप देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर आप नीचे से फोटोग्राफी करें तो बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से आपको ऊपर से ऊपर वाले पानी के एरिया से डेट्रिटस नीचे गिरता हुआ दिखेगा, डेड बॉडीज दिखेंगी। ये वो डेट्रिटस है जिसे हम मरीन स्नो कहते हैं, वाइट सर्कल ऐसे आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे रेज आ रही हैं, आप देखिए इंटरनेट पर। ये वो है जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स के लिए मेन फूड सप्लाई है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स की। सो ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहाँ पर होते हैं, बिल्कुल ओशियन के फ्लोर पे, उसमें फिशर होता है और उसमें जियोथर्मली हीटेड पानी आ रहा है। वहां पर वो जो पानी है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, और उसमें यहां पर जो बैक्टीरिया है जिसे आप कीमो ऑटोट्रॉफी कह सकते हैं, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया है, वो सनलाइट ना इस्तेमाल करके हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी चीजों को कन्वर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। सो डिफरेंस है बेंथिक में और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। पेपर का पर्पज अचीव हो गया अगर आपको ये दो बातें अच्छे से समझ में आ गई सारे क्वेश्चंस के अंदर। उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको एडवांटेज होगा नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आगे देखिए। सो कंसिडर दी गिवन टू स्टेटमेंट्स। सो ये जब हमने दो स्टेटमेंट्स देखी तो इसमें बोथ आर करेक्ट एंड दिस एक्सप्लेन्स फर्स्ट। अब देखिए यहां पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप पढ़ते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सो क्या दोनों का मतलब एक ही है? क्या हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एक ही चीज है? यस, ओवरऑल अल्टीमेटली देयर विल बी लॉस ऑफ एरिया, नो डाउट अबाउट इट, बट फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझिए बेटे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक बड़ा लैंड मास उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। यस, उसकी वजह ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकती है, एग्रीकल्चरल लैंड आपने बीच में डेवलप किया। अब आप जानते हैं कि जो किसी भी जगह पर जो स्पीसीज रिचनेस है उसका प्राइम डिटर्मिनेंट बेटे एरिया होता है। सो आपने एक बड़े लैंड को दो छोटे लैंड में डिवाइड कर दिया, बीच में मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर आ गया, तो यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस कम होगी, यहाँ भी कम होगी, हर एक स्पीसीज की पॉपुलेशन कम होगी। बड़ी सिंपल सी बात है क्योंकि आप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जानते हैं। तो इसका मतलब ये स्मॉल पॉपुलेशंस हो जाएंगी। पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल पॉपुलेशन हो जाएगी। सो पहले तो ये समझ में आया कि फ्रेगमेंटेशन की वजह से डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन साइज भी क्या होगा, कम होगा, और ये पॉपुलेशंस एक दूसरे से आइसोलेट हो गई, बीच में कोई बैरियर आ गया। सो ये आइसोलेटेड स्मॉल पॉपुलेशन है। अब आप इवोल्यूशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट सोचिए। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो यहां पर अब बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाएगी। आप जानते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक जेनेटिक बॉटलनेक फिनोमेना होता है जिसमें अगर पॉपुलेशन क्रैश हुई तो उसकी डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है, उसके अंदर वेरिएबिलिटी कम होती है, और थ्रेट टू एक्सटिंक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो ये वो क्वेश्चन था जिसमें यस यू हैड टू सिंथेसाइज द क्वेश्चन विद टू डिफरेंट वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स। मुझे उम्मीद है अब आप लॉस और फ्रेगमेंटेशन के बीच में अंतर कर पाएंगे। आगे देखिए, दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपकी एनसीईआरटी देखिए, मोर स्पेसिएशन का मतलब यह है कि लैटिट्यूड्स वर अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसकी वजह बड़ी सिंपल है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है
है, स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. उसके बाद में निश स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा सीजनल एनवायरमेंट में वेरिएशंस नहीं है. वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने आसपास में रहना शुरू कर दिया, कोई ऊपर कोई नीचे एक ही पेड़ के ऊपर, जिसे आप रिसोर्स पार्टिशनिंग भी कहते हैं. निश स्पेशलाइजेशन की मदद से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई. सो इसमें हायर प्रोडक्टिविटी में भी आपकी एनसीईआरटी थर्ड पॉइंट कह रही है कि इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ट्रॉपिक्स में ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है, सो हायर प्रोडक्टिविटी मे इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग दैट इज स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक्स. सो आई थिंक दिस वॉज मोर और लेस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. आपको ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई. और देखिए अगला देखिए, ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सर्फेस मोर देन 95% इज द, येस आई एग्री दिस इज द क्वेश्चन दैट इज नॉट गिवन एज सच इन एनसीईआरटी. पर बहुत से बच्चों ने एक चीज जरूर देखी होगी कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं इनको आप तीन वेवलेंथ की अलग अलग आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, UVA, UVB और UVC. सो ये आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, इनकी वेवलेंथ की वजह से आप इनको अलग अलग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. ये वाली जो रेज़ हैं इनको ओजोन की लेयर रोक नहीं पाती है, इसलिए ये अर्थ पर सबसे ज़्यादा पहुँचती है, इसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसको मेजॉरिटी ऑफ द UVB रेडिएशन आर एब्जॉर्ब. दैट इज वाई द प्रॉब्लम विद ओजोन होल और द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर के कुछ ज़्यादा क्या आ रही है, UVB आ रही है. और आप जानते हैं थाइमीन के डायमर बन के DNA में म्यूटेशन के चांसेस हैं, और जेरोडर्मा पिगमेंटोसम जैसी स्किन कंडीशन वाले लोगों को चांसेस है हायर रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, कैटरेक्ट हो सकता है. सो ये अब आपको बात समझ में आ गई, इन दोनों को ओजोन लेयर रोकने का काम करती है, इसको नहीं रोकती. तो अब बड़ा सिंपल सी बात है कि अर्थ के सरफेस पे जो पहुंच रही हैं वो क्या होंगी, UVA रेडिएशंस होंगी. मुझे उम्मीद है अब इस क्वेश्चन को आप अपनी आर्मरी में इंक्लूड कर लेंगे. अब देखिए, ये देखिए बड़े ध्यान से, अल नीनो टर्म इज रिटन इन योर NCERT. तो पैसिफिक ओशियन में पेरू जो कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके आसपास ये एक अनयूजुअल फिनोमिना है, और इसको हम कहते हैं अल नीनो और ENSO. सो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली ENSO स्टैंड्स फॉर. सो ये सदर्न ऑसिलेशन क्या मतलब है, इसका पूरा नाम ढूंढिए अभी उठा करके देखिए. ENSO क्या है, इसकी दो फेजेस होती हैं, एक वार्मर फेज जिसे एल नीनो कहते हैं और एक कोल्डर फेज जिसे ला नीना कहते हैं. सो अगर वार्मर फेज है, एल नीनो है, तो इंडिया पर असर ये है कि मानसून कम होगा, और ला नीना है तो नॉर्मल या थोड़ा सा बेहतर मानसून हो सकता है. तो एक वार्मर फेज याद रखिए इसकी सदर्न ऑसिलेशन की, एक जो है कोल्डर फेज याद रखिए, एक का नाम एल नीनो और एक का नाम हमने कहा ला नीना. आई होप नाउ दिस थिंग इज नाउ इजीली अंडरस्टूड. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. देखिए ये वो क्वेश्चन है जो इस पेपर में मेरे हिसाब से वॉज प्रोबेबली द मोस्ट थिंकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये सबसे ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था. देखिए बेटे, जब आप पढ़ते हैं कि जी हम ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, तो क्या ये आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि जहाँ बर्न करते हैं वहीं पर लोकलाइज होता है वार्मिंग, वहीं पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है. फॉर गॉड सेक उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. इसके असर बहुत दूर दूर तक आ रहे हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप कहीं पर अगर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं देन द इफेक्ट विल बी लोकलाइज्ड. इट इज़ नॉट सो. ये सारी की सारा वर्ल्ड कम्युनिटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. अगर इंडिया में अगर ये मान लीजिए ये एमिशंस ज़्यादा होते हैं तो इसका असर सब पर पड़ेगा. US में होते हैं तो उसका असर सब पर होगा, चाइना में होते हैं तो उसका असर सब पर होगा, इवन पोल्स पर भी होगा. तो पहले तो ये याद रखिए. सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द लैंड मतलब इट डजंट मीन एनीथिंग. देखिए लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि मैं आपको याद दिलाऊंगा. आपने इकोलॉजी में पढ़ा है कि टेम्परेचर इज इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर. पहली बात याद कीजिए कि टेम्परेचर इकोलॉजी में सबसे रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, हाँ या नहीं. दूसरी चीज क्यों है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि अंदर बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंसी थर्मोरेगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे करता है, एंजाइम काइनेटिक्स को असर डालता है. एंजाइम्स के लिए क्यों जरूरी है टेम्परेचर, क्योंकि एंजाइम
एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अब 37 ही हमेशा क्यों रहता है, बाहर जो मर्जी हो जाए, ताकि हमारे एंजाइम को वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता रहे जिस पर वो काम करेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारा जो सेल है उसमें ज़्यादातर चीज़ क्या है, पानी। वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस। उसमें क्या इवॉल्व होती है, हीट। हीट किस में जाती है, पानी में। लेकिन पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत हाई है, पानी का टेम्परेचर आसानी से चेंज नहीं होता। आप देखिए, आप कभी अगर किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर रिवर है, वहाँ पर आप देखते हैं घाट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है अगर गर्मी है तो, लेकिन पानी फिर भी ठंडा मिलता है। सो पानी पे जो हीट पड़ती है, पानी का टेम्परेचर आसानी से चेंज नहीं होता, उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है। दूसरा, ओशियन समझने की कोशिश कीजिए, इवेपोरेशन से भी हीट लॉस होती है। तो ओशियन के सरफेस से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। ये पानी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि लाइफ एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन वाटर। और बहुत सारी लाइफ अभी भी कहाँ मिलती है, पानी में। लैंड पर लाइफ बाद में आई, लैंड पर टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज होता है। क्रोकोडाइल कभी भी आपको रात में लैंड पर नहीं मिलेगा, वो हमेशा पानी में चला जाएगा। सो वाटर इज अ वेरी वेरी स्टेबल एनवायरमेंट, एंड हेंस यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई एग्री। प्रोबेबली इस तरह का क्वेश्चन आप KVPY में, आप नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में, इस तरह के पेपर्स में इसको एक्सपेक्ट करते हैं। येस यू आर राइट, ये एक वो क्वेश्चन था जो वी डू नॉट एक्सपेक्ट दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन इन नीट एंट्रेंस एग्जाम। अब देखिए, इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हुआ, थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है, तो कोई ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन भी आता है। बड़े ध्यान से देखिए, तो इसमें हमने ये कहा कि आप प्रिवेंट कर रहे हैं किसको, देखिए ध्यान से, रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क को प्रिवेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कि एक रिस्क फैक्टर के ऊपर इस चीज का असर है। सो देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क फैक्टर क्या क्या है। सो एक है हाई कोलेस्ट्रॉल, सो लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी रिस्क फैक्टर को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई इस तरह का प्रोडक्ट है, वो बताइए किस बैक्टीरिया से मिलता है। देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स 33% ने आंसर लगाया, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ क्लॉट बस्टर, वो थ्रोम्बोलिटिक है। थ्रोम्बस जब बन जाता है तो हम स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं ताकि उस क्लॉट को डिसॉल्व कर सकें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, हमने कोलेस्ट्रॉल को क्या कर दिया, कम कर दिया। इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड स्टैटिंस विल बी दी आंसर। आंसर क्या होना चाहिए, स्टैटिंस होना चाहिए। अब देखिए फाइनली, हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये आप लोग जरूर सही करेंगे, क्योंकि इतना हल्ला मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में COVID-19 को लेकर के। आपके बहुत से जानने वालों ने RT-PCR टेस्ट कराया होगा, PCR आपकी NCERT आपको डिटेल में पढ़ा रही है, उसकी सिंपल एप्लीकेशन है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक सैंपल आया, उस सैंपल में मैंने 5 साइकिल चलाई RT-PCR की, तो 5 बार एम्पलीफाई करके डिटेक्ट कर लिया, इसका मतलब सैंपल में वायरल लोड ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम रेप्लिकेशन में ही मेरे टेस्ट ने उसको पकड़ लिया। लेकिन अगर मैं 15 बार अगर उसको रेप्लिकेट कर रहा हूं और तब पकड़ पा रहा हूं, तो इसका मतलब ओरिजिनल सैंपल में वायरल लोड क्या था, कम था। तो जितनी ज्यादा साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, इसका मतलब उतनी बार आपको क्या करना पड़ा है, साइकिल चलानी पड़ी है, और इसका मतलब उतना ही आपको एम्पलीफाई करना पड़ा है DNA को, ताकि आप उसको डिटेक्ट कर सकें। सो हायर द CT वैल्यू इन RT-PCR, वी विल से लोअर द वायरल लोड इन द सैंपल। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है सैंपल लेने का तरीका गलत हो, हो सकता है ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जिस सैंपल को आप चेक कर रहे हैं उसमें वायरस लोड कम होगा अगर उसकी RT-PCR साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू हायर होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन 1% बहुत जल्दी लोगों ने आंसर लगा दिया, उसका वजह है कि देयर इज अ डायग्राम गिवन इन योर NCERT जहां पे 1% नीचे लिखा हुआ है। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फ्रॉम दी टोटल इंसिडेंट सनलाइट। सो आपकी NCERT की एक और लाइन है, वो ये कहते हैं कि टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में करीब 50% क्या होता है, PAR होता है। तो यहां पर आंसर 2% आ जाएगा, बिकॉज आई एम आस्किंग अबाउट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन दैट वुड बी प्रेजेंट इन दिस टोटल इंसिडेंट सनलाइट दैट इज फॉलिंग एंड दिस इज 100,000। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1% की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार में से कैलकुलेट करेंगे। पार इज 50% ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, सो दिस नंबर शुड बी एक्चुअली 2%। आई होप अब आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे कराए हैं, बाकी मैंने आपको ऑडियो सोल्यूशन दिए हैं, जो आपका तीसरा टेस्ट है वो क्लास 11th की पहली 3 यूनिट से है। सो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3,
इस इन यूनिट्स को समझिए, इसमें जो यूनिट वन और यूनिट टू है उसमें से डायरेक्ट सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. सो दीज आर फैक्ट बेस्ड टाइप ऑफ चैप्टर्स, इसमें से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अब की बार जो पेपर आएगा वो आपको इस पेपर से आसान लगेगा. दिस इज द नेचर ऑफ द टॉपिक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्योंकि फैक्चुअल में या तो आपको आता है या बिल्कुल नहीं आता है, या तो पेपर बहुत आसान हो गया या बहुत मुश्किल हो गया. सो आई विल बी आस्किंग द फर्स्ट यूनिट एंड द सेकेंड यूनिट, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन वुड बी फैक्चुअल. ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं उसमें भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल और सेल डिवीजन से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं. सो दैट विल बी द मेकअप. और वो जो पेपर है वो पेपर इस पेपर से बिल्कुल कंट्रास्टिंग टाइप का होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेचर ऑफ टॉपिक्स हम पूछ रहे हैं वो डिफरेंट हैं. और इसीलिए मैं, जब आप चारों पेपर करने के बाद में कंप्लीट टेस्ट सीरीज करेंगे जिसमें हम बिल्कुल रियलिस्टिक वही चीज़ पूछेंगे जो नीट एंट्रेंस एग्जाम में आती है, अब हमने ये चारों टेस्ट में अपनी किलाबंदी कर ली है, एंड देन वी विल बी रेडी फॉर द कंप्लीट टेस्ट. एंड यू कैन एब्सोल्युटली रिलाई ऑन मी दैट यू विल बी मैग्निफिसेंटली प्रिपेयर्ड टू स्कोर अ वेरी वेरी गुड रैंक इन योर नीट एंट्रेंस एग्जाम. थैंक यू सो मच.